हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक आनंद। दोस्तों आज मेरे पास एचपी इलाइट बुक 840 G7 लैपटॉप। ये दोस्तों मैं 2-3 दिन से इसे यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिला, तो आज इसकी रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये लैपटॉप कैसा है। प्रोफेशनल लैपटॉप है बट आप इसे मल्टीटास्किंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये लैपटॉप कैसा है, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं हूँ आनंद, आप देख रहे हैं टेक आनंद। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट द डिजाइन। आपको यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही स्लिम कर देखने को मिलेगा। साइड व्यू देखें या फिर फ्रंट व्यू देखें या फिर अदर साइड व्यू देखें, उसके अलावा अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ये लैपटॉप डिजाइन वाइज देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बीट नज़र आएगा दोस्तों, जिसके चलते आपका ये जो पैनल है इसमें स्क्रैच नहीं आएंगे। यहाँ पे भी दोस्तों आपको बीट नज़र आएंगे जिसके चलते आपका ये पैनल यानी बैक साइड का पैनल में कोई स्क्रैच नहीं आएगा। जस्ट लुक एट दिस कर्व दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। फ्रंट में आपको एचपी का ब्रांडिंग मिलेगा, वहीं पे बैक साइड में आपको यहाँ पे इलाइट बुक यहाँ पे नजर आएगी, इलाइट बुक। तो दोस्तों इसका डिजाइन मुझे बहुत ही परफेक्ट नजर आया, कहीं भी कोई इशू देखने को नहीं मिला है। दोस्तों अगर मैं इसके पोर्ट्स एंड बटन की बात करूं तो आपको यहाँ पे लॉक मिलेगा एंड यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, यहाँ पे AC पोर्ट्स मिलते हैं एंड अदर साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको सिम स्लॉट भी मिलता है। अगर मैं इसे पुश करके बाहर निकालूँ तो यहाँ पे आपको सिम स्लॉट भी मिलेगा, आप इसमें सिम डाल के नेटवर्किंग यूज कर सकते हैं यानी अपना इंटरनेट चला सकते हैं। फिर से अंदर कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको 2 USB टाइप सी पोर्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे HDMI केबल एंड यहाँ पे दोस्तों पावर एडाप्टर का पोर्ट मिलेगा। अगर मैं इस लैपटॉप को ओपन करूँ दोस्तों, अगर इनसाइड डिजाइन की बात करूँ तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे वेजल से बात करते हैं तो आपका जो वेजल है बहुत ही थीन है दोस्तों, बहुत ही थीन वेजल आपको यहाँ पे दोनों साइड में दिखाई देगा एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको HP का ब्रांडिंग भी मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको 2 स्पीकर मिलेंगे इस साइड एंड इस साइड। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, यहाँ पे इंटेल कोर i7V Pro मिलेगा एंड जस्ट लुक एट द टच पैड, ये भी दोस्तों बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पे दोस्तों आपको इलाइट बुक देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे HP का सपोर्ट मिलेगा व्हाट्सएप एंड अदर फोन कॉल का। तो दोस्तों ये लैपटॉप बहुत ही स्मूथ मुझे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इस लैपटॉप को टर्न ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच भी रख लिया हूँ ताकि मैं इसका बूट टाइम मेजर कर सकूँ। तो यहाँ से मैं टर्न ऑन करता हूँ, देखता हूँ इसकी कितनी बूट टाइमिंग है। तो यहाँ से मैं टर्न ऑन करता हूँ, साथ में इसे भी स्टार्ट कर दिया हूँ, तो देखता हूँ कितना समय में ये स्टार्ट होता है। उसके अलावा देखेंगे इसकी कैसे, तो फर्स्ट जो डिस्प्ले टर्न ऑन हुई है वो 6 सेकेंड में टर्न ऑन हुई इसकी डिस्प्ले। यहाँ पे आप HP देख सकते हैं, उसके अलावा प्रोटेक्टेड बाय HP श्योर स्टार्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब देखते हैं कंप्लीट टर्न ऑन होने में इसे कितना समय लगता है। तो स्टिल इट्स रनिंग, स्टिल देखते हैं 32 सेकेंड अभी हुआ है, देखते हैं मुझे लग रहा है 40 सेकेंड के आसपास इसे टर्न कंप्लीट टर्न ऑन होने में समय लगेगा। या 42 सेकेंड में ये कंप्लीटली टर्न ऑन हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं इसकी कैसी डिस्प्ले है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लैपटॉप देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड दोस्तों। अगर मैं इसके कीपैड की बात करें तो ये बैकलाइट कीपैड है दोस्तों, यहाँ पे आपको बैकलाइट कीपैड देखने को मिलेगा एंड इसकी जो टच है दोस्तों यानी टच, ये भी बहुत ही स्मूथ है दोस्तों। लेफ्ट या राइट दोनों बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही स्मूथ मुझे मिल रहा है। अगर आप कर्सर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कर्सर भी बहुत ही फास्ट मूवमेंट इसकी हो रही है। अगर डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो ये 14-inch फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, जहाँ पे दोस्तों ये टच स्क्रीन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बॉडी टू स्क्रीन रेशियो दोस्तों 85% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है। इसमें दोस्तों आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलेगा, जैसा कि देख सकते हैं इस साइड लेफ्ट में फर्स्ट एंड राइट में सेकंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि डिजाइन बाय बैंग एंड उल्फसन का है एंड इसके जो स्पीकर होते हैं दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया स्पीकर होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज करके दोस्तों इस लैपटॉप को ओपन कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड सेट किए हुए तो। यहाँ पे आपको इलाइट बुक देखने को मिल जाएगी फ्रंट में एंड ये लैपटॉप दोस्तों कॉन्फ़िगर है इंटेल कोर i7V Pro एंड अगर मैं कैमरे की बात करूँ दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 कैमरे देखने को मिलेगा, एक है HD कैमरा एंड दूसरा है दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा। तो HD कैमरे की रिजोल्यूशन जो है दोस्तों वो 720 पिक्सल की है, वहीं पे डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल की है, जो कि बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है दोस्तों।
दोस्तों मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ एंड इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों वो मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी क्वालिटी 1080 फुल HD यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ और अब मैं इसे फुल स्क्रीन करता हूँ और इसे प्ले करता हूँ। यहाँ से मैं इसे प्ले करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक आनंद। दोस्तों नॉडेज हर कोई फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से शॉपिंग। इसकी वॉल्यूम मैं टर्न ऑफ कर दिया हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है दोस्तों वो भी बहुत ही बढ़िया आपको नजर आ रहा होगा। बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको इस वीडियो में नजर आ रही होगी। अगर दोस्तों इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये लैपटॉप 14 इंच फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है जो सिल्वर कलर का है। अगर इसके कीपैड की बात करें तो ये बैकलिट कीपैड है। अगर आप टाइप करेंगे तो साउंड नहीं होगा, उसके अलावा बहुत ही अच्छा फील होगा, सॉफ्टनेस फील होगी। वहीं पे अगर इसके टच पैड की बात करें तो टच पैड भी बहुत ही स्मूथ है। फिंगर को मूव करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने फिंगर को मूव करें और आपका कर्सर बहुत ही फास्ट से मूव होगा, तो बहुत ही बढ़िया इसका टच पैड भी है। वहीं पे राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक की बात करें तो ये भी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लिक होती है एंड बहुत ही सॉफ्ट है। ये लैपटॉप दोस्तों इंटेल कन्फिगर है i7 Pro। वहीं पे इसमें आपको विंडो 10 प्रो मिलेगा। इसके अलावा आप डिफरेंट कन्फिग्रेशन में भी जा सकते हैं, जैसे कि आप i5 चूज कर सकते हैं, विंडो 10 चूज कर सकते हैं। इस लैपटॉप में दोस्तों 16 GB रैम है एंड 240 GB SSD है। इसके अलावा आप डिफरेंट कन्फिग्रेशन, जैसे कि आप अप टू 64 GB रैम के साथ जा सकते हैं एंड 1 TB SSD स्टोरेज के साथ भी जा सकते हैं। इसकी जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों वो डिजाइन किया गया बैंग एंड उल्फसन, जिसमें आपको 2 ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पे फ्रंट में आपको दोनों स्पीकर देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो अप टू 23 आवर्स की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि 23 आवर्स की बैटरी बैकअप अभी तक किसी लैपटॉप में देखने को नहीं मिला है। बट दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपकी यूजेज कैसी है। अगर आप मीडियम यूजेज के साथ इसे यूज करेंगे तो आपको 20 आवर्स तक का बैटरी बैकअप श्योरली मिल जाएगी। वहीं पे अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 1,50,000। तो दोस्तों ये प्रोफेशनल लैपटॉप है, स्टूडेंट लैपटॉप नहीं है, बट आप मल्टीटास्किंग के रूप में इस लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो एडिटिंग के रूप में कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग वर्किंग फ्रॉम होम है उनके लिए भी ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें दोस्तों मल्टीटास्किंग करनी होती है, तो उस कंडीशन में ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों 1.5 लाख में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन इस लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पे दोस्तों अगर ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको इंटेल USD 620 ग्राफिक्स मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इसमें गेम प्ले करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी आपको लैगिंग या हैंगिंग देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया। मैं इस लैपटॉप को 2 दिनों से यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला, कहीं भी कोई इशू देखने को इस लैपटॉप में नहीं मिला। इवन दोस्तों ये बहुत ही थिन एंड लाइट लैपटॉप है। इसकी जो वेट है दोस्तों वो 1.33 kg का है। वहीं पे इसकी जो वेसल है वो भी बहुत ही नैरो वेजल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर इसके हिंज की बात करें तो वो 180 डिग्री आप इसे हिंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस लैपटॉप को हिंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इजी टू कैरी, आप कहीं भी बिजनेस ट्रेवल में आप इसे यूज कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनली हैं एक जगह से दूसरे जगह तक इसे कैरी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप कोई प्रोफेशनल लैपटॉप देख रहे हैं तो दोस्तों 1.5 लाख के रेंज में ये बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। आउट ऑफ 10 में दोस्तों मैं इसे 9 रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इस लैपटॉप का दे दी हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप जाके खरीद सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।